हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा जो इस तरह का बनाया है मैंने। और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है, तो इस तरह से यहाँ दो पॉकेट आएगा। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब शुरू करते हैं। और उसके अंदर मैंने ऐसा प्रिंटेड फैब्रिक लिया है फ्लावर का, और उसका माप मैंने यहाँ 30 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है, 4.5 इंच का ऐसा दो कटिंग लेना है हमें। और अब यहाँ हम सेंटर में निशान कर देंगे। और ये रबर सीट का माप मैंने यहाँ 7.5 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 13 इंच का लिया है। ऐसी दो रबर सीट लेनी है। और ये हैंडल का माप मैंने यहाँ 2 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 18 इंच का लिया है। और ऐसा दो हैंडल लेना है, और अंदर में ऐसी दोरी डालूँगा हैंडल के अंदर, तो इसलिए मैंने ये उरब में कटिंग किया है। और ये बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 22 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। और उसमें मैंने रबर सीट ली है, उसके ऊपर मैंने प्रिंट फैब्रिक लगाया है। और जेब के ऊपर जो पट्टी लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है। ऐसी दो पट्टी लेनी है हमें, और एक दूसरी पट्टी हमें 15 इंच की लेनी है। और उसके अंदर भी मैंने ये रबर सीट लगाई है। और ये उसके जेब का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। ऐसी दो जेब लेनी है हमें। और अब उसका अस्तर का माप मैंने यहाँ 17 इंच का लिया है, 17x8 इंच का ऐसा 3 अस्तर लेना है हमें। और अब यहाँ रबर शीट के ऊपर हम सेंटर में निशान कर देंगे। यहाँ 13 इंच का है इसलिए हमें 6.5 इंच पे निशान कर लेना है, दोनों सीट पे हमें निशान कर लेना है। और अब यहाँ 5 इंच का हमें सर्कल कर लेना है, इसलिए मैंने 2.5 इंच पे ये परिकर रखा है। और अब ये परिकर से हमें यहाँ सर्कल कर देना है 5 इंच का। तो इसी तरीके से दोनों सीट के ऊपर हमें ये सर्कल कर देना है। और अब ये दूसरा अस्तर का टुकड़ा लेंगे, उसके ऊपर भी हमें ये सर्कल कर देना है 5 इंच का। और अब हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से सेंटर से कटिंग कर लेना है, तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और उसके ऊपर जो फैब्रिक लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 6 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। ऐसा दो फैब्रिक लेना है हमें। और अब हमें ये रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये फैब्रिक लगा देना है, और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। और साथ में हमें प्लेट भी कर देनी है, वो ये जो सर्कल किया है हमने उसके ऊपर ही हमें प्लेट कर देनी है। तो इस तरह से हमें प्लेट करती रहनी है।
और यहाँ हमें सेंटर से सेंटर मिला लेना है। और अब हमें यहाँ भी नीचे सिलाई कर देनी है, तो हमें प्लेट मिलाकर हमें सिलाई कर देनी है। और ये ज़्यादा रबर शीट है, उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये फैब्रिक के ऊपर हम ये अस्तर लगा देंगे और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक के ऊपर ये अस्तर लगा देना है। और अब ये फैब्रिक को हमें अस्तर के ऊपर मोड़ देना है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और ये ज़्यादा फैब्रिक है, उसको हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ सेंटर में निशान कर देना है। और अब उसके ऊपर हमें यहाँ लगा देना है, तो यहाँ हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है। और ये रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैं गोल्डन लेस पट्टी लगा दूंगा। तो यहाँ पाइपिंग के ऊपर हमें ये पट्टी लगा देनी है और यहाँ सिलाई कर देना है। इस तरह से हमें ये पाइपिंग तैयार कर लेनी है। और यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है।
और यहाँ राउंड है इसलिए पाइप इनको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है और अब हम इस पार्ट के साथ ये बॉर्डर लगा देंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है ऊपर, और हमने जो पाइपिंग लगाई है वो सिलाई के ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है। और अब यहाँ दूसरा पार्ट रख देना है, तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी हम सिलाई कर देंगे। हमने जो पाइपिंग की सिलाई की है पहले, उसी सिलाई के ऊपर ही हमें ये सिलाई लगानी है, तभी हमारा फिनिशिंग मस्त आएगा। ज़्यादा बॉर्डर है उसको कटिंग कर लेना है, और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। और यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ हमें एक सिलाई कर देनी है, तो हम यहाँ एक सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ बॉर्डर में सेंटर में निशान कर देना है, तो अंदर की साइड हमें निशान करना है।
तो इस तरह हमें दोनों साइड सेंटर में निशान कर देना है। और यहाँ सेंटर में भी निशान कर देंगे दोनों साइड। और अब ये जिप पट्टी बनाएंगे तो पहले रबर शीट रखेंगे, उसके ऊपर ये फैब्रिक की पट्टी, और यहाँ हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह हमें दूसरी पट्टी भी बना लेनी है। और अब ये पट्टी को हमें फोल्ड कर देना है और यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। और ये ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब दोनों पट्टी को हमें जोड़ लेना है और यहाँ सिलाई कर देनी है। और अब पट्टी को हम यहाँ सेंटर से मिला लेंगे और यहाँ से हम उसका माप कर लेंगे। और अब यहाँ सेंटर का निशान है वहाँ हम मिला लेंगे और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ सेंटर में निशान कर देना है दोनों साइड में, सेंटर में निशान कर देना है। अब ये जिप के ऊपर भी हम सेंटर में निशान कर देंगे, दोनों जिप के ऊपर हमें सेंटर में निशान कर देना है। और ये पट्टी है उसको भी हम सेंटर में निशान कर देंगे। और ये अस्तर को भी हमें सेंटर में निशान कर देना है, तीनों अस्तर को हम निशान कर देंगे। और अब ये पट्टी रखेंगे, उसके ऊपर ये जीप रखेंगे और यहाँ ऊपर हम ये अस्तर रखेंगे और तीनों का हमें सेंटर मिला लेना है और तीनों एक साथ में रख कर हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। और हमें अस्तर को पलटा लेना है और यहाँ पट्टी के ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ दूसरी जिप रखेंगे और यहाँ हमें सिलाई कर देंगे। और यहाँ भी हमें पट्टी के ऊपर एक सिलाई कर देनी है। और अब ये दूसरा अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर ये जीप रख देंगे और यहाँ हम ये सिलाई कर देंगे। और अब हमें ये तीसरा अस्तर रखना है और यहाँ हमें सामने वाली जीप रखनी है और यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देंगे। और अब ये तीनों अस्तर मिला लेना है और एक साथ अस्तर रखकर हमें सिलाई कर देनी है।
और यहाँ ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अभी यहाँ ये पट्टी लगाएंगे, तो यहाँ सेंटर से सेंटर मिला लेना है और यहाँ से शुरू कर देनी है सिलाई। और यहाँ भी हमें सेंटर से सेंटर मिला लेना है। और यहाँ जो ज़्यादा अस्तर है साइड में वो हम कटिंग कर लेंगे, दोनों साइड से हमें कटिंग कर लेना है। और अब हमें ये हैंडल बना लेना है, तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ ये डोरी लगा देनी है। और अब हम ये हैंडल को पलटा लेंगे और डोरी हमें अंदर कर देनी है, तो इस तरह से हमें हैंडल पलटा लेना है। और ये हैंडल हमें यूरोप कटिंग करना है, क्योंकि डोरी डालनी है इसलिए यूरोप ही कटिंग करना पड़ेगा। और अब हमने जो पॉकेट बनाई है वो हम बैग के अंदर रख देंगे। और यहाँ हमें सेंटर से सेंटर मिला लेना है और यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है, तो इस तरह से हमें ये पॉकेट रखना है। तो अब हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। और अभी यहाँ पाइपिंग है इसलिए यहाँ मशीन हमें स्लो चलाना है, हाथ से ही चला लेना है मशीन। और यहाँ हमें हैंडल रख देना है। यहाँ पे हमें सेंटर मिला लेना है। यहाँ हमें दूसरा हैंडल लगा देना है।
और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आपको हैंडबैग का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद।